नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में स्वर्गीय सुनीला देवी गजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति टेनिस क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट का समापन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह सोलंकी की पत्नी की स्मृति में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग 64 टीमों ने हिस्सा लिया और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों में से 2 टीमों ने फाइनल में हिस्सा लिया और 2 टीमें फाइनल में पहुंचकर इस टूर्नामेंट की विजेता हातमगढ़ रही, जिसे आयोजन समिति के द्वारा 21,000 रुपये एवं ट्रॉफी दी गई। वहीं उप विजेता MCC ग्यारसपुर को नगद 7,501 रुपये एवं ट्रॉफी दी गई। हातमगढ़ ने पहले खेलते हुए 100 रन बनाए, वहीं MCC ग्यारसपुर केवल 75 रन ही बना पाई। और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा, आयोजक सुरेंद्र साहू, सीताराम कुशवाहा, उपाध्यक्ष राहुल कनौजिया, संतोष विश्वकर्मा एवं सभी आयोजन समिति के सदस्यों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना विशेष योगदान दिया एवं MCC के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 12 फरवरी से इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया था और मैच के समापन अंत में SDM महोदय आरती यादव, तहसीलदार अजय शर्मा, जनपद CEO KK ओझा, नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि लीलाधर कुशवाहा, सोसाइटी अध्यक्ष सुदीप रघुवंशी, राजेश जैन एवं ग्राम के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे और हजारों की संख्या में दर्शकों ने फाइनल मैच का आनंद लिया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जनपद पंचायत जी तहसीलदार जी अजय शर्मा जी और हमारे तहसीलदार महोदय श्रीवास्तव जी और सभी जनप्रतिनिधि सरपंच साहब और सभी उपस्थित आयोजक है। चला है जो हातमगढ़ और हमारे देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मैं इसमें सम्मिलित हो पाई और मैं स्वयं भी क्रिकेट की बहुत प्रेमी हूँ और इसके कारण मैं ये कहूँगी कि जो जीते हैं ये तो वाकई से जीते हैं, परंतु जो हारे हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया कोशिश की। और जैसा कि मैं अभी आप एंकरिंग कर रहे थे तो मैंने देखा आपको भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। थैंक यू ग्यारसपुर, बार बार आप करते रहे और प्रशासन का सहयोग। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।